रोहतक के गांव टिटोली में रविदास मंदिर परिसर में बने जिम पर ताला लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद बढ़ गया। बात इतनी बड़ी कि जिम पर ताला लगाने वाले मदन ने अपने ही पड़ोसी सुधीर और शरण को आज गोली मार दी, जिसमें सुधीर की हालत खतरे से बाहर बताई गई है जबकि शरण की हालत नाजुक बताई गई है। दोनों का इलाज रोहतक स्थित पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएम में चल रहा है। घायल शरण की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मदन को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। इन आपस में रात न तो तुम्हें मोह दी, जिसने गोली चलाई ने रिपोर्ट दे दी थी, तो सवेरे बात खत्म हो गई थी। तो ये रोड पर तो आने लग रहे थे रोहतक तक ठंडा राकेश, इन्होंने स्कूटी रोक कर कह दी भाई क्या बात होगी, इसी को बड़ी बात भी नहीं है, इनकी तू तुम्हें मोह गई थी, तो तुम्हें मोह दे मदन ने काट गया रिवॉल्वर, इनको गोली चला दी। ये गांव टिटोली में से खबर मिली थी और कि अभी गोली चल गई है, जिसमें पुलिस हमारी ऐसे चोर चौक इंचार्ज मौके पे पहुंचे तो पता लगा कि दो इंजर्ड हुए हैं जो पीजीआई ट्रामा सेंटर रोहतक में एडमिट हैं। तो जिनकी स्टेटमेंट ली गई है, इसमें जो मेन कंप्लेनेंट है उसको भी इंजर्ड है, उसके आँख के बाईं तरफ इंजरी है, उसमें सुधीर और ये सुधीर और सरवण इंजर्ड हैं। सरवण की स्टेट में एफ आई आर हुए कि भी उनके गांव का ही लड़का है मदन, जो लाइसेंसी वेपन रखता है, जिसने फायर किया है। और उसने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि भी हमारे गांव में रविदास मंदिर में एक जिम बना हुआ है जिस पर मदन ने ताला लगा दिया था, उस ताले को न लगाने के उस पर जो है ना झगड़ा हुआ था, जिस पर उन्होंने इसी बात पर बात को बढ़ गई, जिससे मदन ने गोली चला दी, इंजर्ड हो गया और हमने टीम बना दी है, उसको जल्दी राउंड अप करें।